जम्मू संभाग के जिला डोडा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकवादियों के होने की आशंका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 आतंकवादी को मार गिराया है, तो वहीं सेना का 1 जवान भी शहीद हो गया है। पाकिस्तान ने आज फिर की नापाक हरकत। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में दिगवार सेक्टर में संघर्ष विराम का किया उल्लंघन, चलाई गोलियां और दागे मोर्टार, भारतीय सेना दे रही मुंह तोड़ जवाब। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के रामबन में भूस्खलन, 10 से अधिक वाहन दबे, 2 की मौत, कई अन्य घायल। लॉकडाउन खुला तो रोजाना 6,000 श्रद्धालु कर सकेंगे माँ वैष्णो देवी के दर्शन, तैयारियों में जुटा श्राइन बोर्ड। जम्मू कश्मीर में 1 दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 75 नए मामले आए सामने, जम्मू संभाग में 14 और कश्मीर संभाग में 61 मामले शामिल, प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1,122 पर। देश में पिछले 24 घंटों में 4,987 नए मामले आए सामने, तो वहीं 120 लोगों की हुई मौत। रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों को मिली एक और बड़ी कामयाबी, 1 घर से IED बनाने का सामान, SLR और पिस्टल गोला बारूद बरामद। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 90,927, 2,872 लोगों की हुई मौत, तो वहीं 34,109 लोग हुए पूरी तरह स्वस्थ। उत्तर प्रदेश के औरैया हादसे के बाद दिल्ली UP बॉर्डर पर रोके गए पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूर, प्रवेश की अनुमति नहीं। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कोरोना की वैक्सीन आने में लगेगा समय, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनी सोशल वैक्सीन। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान, कोरोना से लड़ने के लिए अमेरिका में नेतृत्व की कमी, महामारी ने उठाया पर्दा। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1,237 लोगों की मौत, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 90,000 के पार। घरेलू उड़ानों के चालू होने का रास्ता साफ, एयरलाइंस कंपनियों ने DGCA को सौंपी रिपोर्ट। देश में चली 1,064 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 14 लाख प्रवासी मजदूर पहुंचे अपने अपने घर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले पलायन की खबरों के बीच 1 लाख प्रवासी मजदूर वापस काम पर लौटने को तैयार। केंद्र सरकार ने अगले 15 दिन के अंदर 8 करोड़ प्रवासियों को मुफ्त राशन बांटने की मुहिम चालू करने का किया दावा। रामविलास पासवान ने की राज्य सरकारों से अनाज और दालों का कोटा उठाने की अपील। वित्त मंत्री का ऐलान, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों का होगा निजीकरण।